घर में झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी ने उड़ाए लाखों के जेवर। अपने नाटकों और फिल्मों में अक्सर घरों में काम करने वाले वफादार नौकर और नौकरानियों पर चोरी करने के आरोप लगते हुए तो देखे होंगे और उन्हें जेल जाते भी ले जाते हुए भी देखा होगा, लेकिन मैनपुरी के जज कॉलोनी में ऐसा ही वाकया हकीकत में देखने को मिला, जहां जज कॉलोनी निवासी रमेश चंद्र के घर में कई महीनों से झाड़ू पोछा करने वाली एक नौकरानी ने रमेश के घर में रखी अलमारी से धीरे धीरे काफी रुपया और लाखों के जेवर चोरी कर लिए। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब वह झाड़ू पोछा करते करते अलमारी के पास पहुंची और अलमारी के कवर खोलकर उसे चोरी करने लगी। तभी रमेश चंद्र की पुत्रवधू ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की तो उसने अपना सारा गुनाह कबूल करते हुए यह भी बता दिया कि चोरी किए गए लाखों के जेवर उसने एक सुनार के यहाँ बिक्री किए हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सुनार की दुकान से माल बरामद करते हुए चोरी करने वाली नौकरानी को कानूनी कार्यवाही हेतु जेल भेज दिया। मैं आपका और किस तरीके क्या चोरी हुई थी? हमारा नाम रमेश चंद्रा है और मैं चर्च कम्पाउंड मैनपुरी में रहता हूँ। हमारे यहाँ दिसंबर महीने से ममता उस सोनी नाम की महिला चौका बर्तन काम करती थी। अभी 20 अगस्त को जब लॉकडाउन हुआ था, उस पीरियड में हमने उसे काम करना बंद, काम पे हम नहीं बुलाते थे। 20 अगस्त को उसके बाद हमने बुलाया इसको और 20 अगस्त वाले दिन ये अंदर कबर्ड में हमारे कबर्ड खोल के खड़ी हुई थी। हमारी बहू ने देखा कि कबर्ड खोल खड़ी हुई है तो उसने अपनी सास को बताया। तब हमारी पत्नी उसके पास गई, उन्होंने कहा भाई क्यों खोली कबर्ड, तो उससे रोने लगी और पैरों पर गिर गई और ये कहा कि आंटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पैसे निकालने के लिए कबर्ड खोली थी। और ये चोरी जो है बहुत दुरुस्त कर रही थी, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाई। इसके जाने के बाद जब हमारी पत्नी ने कबर्ड का लॉकर खोला तो उसमें जो डिब्बा देख रही सब डिब्बा खाली थे। तब हमको जानकारी हुई, हम उस समय कॉलेज में थे, कॉलेज से हमें फ़ोन कर बुलाया, हम अपनी पत्नी के साथ लेकर घर गए। इसने पूरा कबूलनामा कबूल किया है कि हमने, हाँ हमने तो आपके सब सामान लिया है, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। अच्छा, ये माल जो पकड़ा गया मैनपुरी में किस दुकान से पकड़ा गया, कहाँ पे पकड़ा गया? ये ममता उप सोनी ने ये कृष्णा ज्वेलर्स यहाँ गई थी, हम बोले थे, हमारे साथ में पुलिस भी थी, कन्हैया, और वहाँ जाके उसने बताया कि मतलब हमने सोना यहाँ पे लिया है। यहाँ के उसने कितने का बेचा था, क्या था? हमको ये बताया कि हमने 60,000 के बेचा है, मतलब 60,000 बेचा क्या, हमने 60,000 में दिया है। वो कह रहे थे हमने 3-4 हज़ार में इसको दिए, 60,000 हमने नहीं दिए। नौकरानी आज दिन जा कर के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन का कार्य करती है। जिस समय मालकिन चोरी हुई थी उस दौरान ही वो जा कर के अलमारी के पास अपना साफ सफाई करते हुए उनके पर्स से रखे हुए कुछ जेवरात गहने निकाल करके चुपके से लेकर के चली गई। उस दिन जब बाद में इन लोगों ने जाकर के अलमारी खंगाली और देखा तो उसमें गहने नहीं पाए। इस पर इन लोगों को संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो नौकरानी है उसी का किरदार धराया है, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं किया। कुछ दिनों तक ये लोगों ने अपना उससे पूछने जानने की कोशिश की कि हो सकता उसने लिया, उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने आकर के पुलिस को कंप्लेन की, उनका अभियोग पंजीकृत किया गया। फिर नौकरानी से पूछताछ की गई, पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब अमली अहमद से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और जुर्म स्वीकार करते हुए जो भी इनके माल थे उनको बरामद कराया तो सकुशल घटना का अनावरण कर लिया गया और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नौकरानी की गिरफ्तारी करके उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया, जहाँ से उसे रिमांड पर जिला कारागार में भेज दिया गया है। विवेचना प्रचलित है, शीघ्रतिशील लगभग कितने लाख का जो पकड़ा गया है? अब अनुमानित लागत इसमें हो सकती है, अलग अलग इसमें अनुमान हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सराफाओं से दिखा करके पूरा अनुमान इसका लगाया जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रॉबली कि वो 3-4 लाख के आसपास के रहेंगे।